हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको आर्यन खान के बारे में बता रही हूँ। ऐसे ही कोई नई बात नहीं है कि आज मैं आपको आर्यन खान के बारे में बता रही हूँ। अब मैं रोज़ ही आपको फिलहाल कुछ दिनों तक आर्यन खान के बारे में ही बताऊँगी, क्योंकि आजकल का करंट टॉपिक तो वही है, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान फिलहाल 7 अक्टूबर तक के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB की हिरासत में है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसी ने उन्हें विज्ञान की किताब पढ़ने को दी है, जिसकी मांग उन्होंने खुद की थी। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी गई है। इसके अलावा आर्यन खान और अन्य आरोपियों को NBC मुख्यालय के पास राष्ट्रीय हिंदू रेस्टोरेंट में रोजाना खाना खिलाया जा रहा है। ऐसा इसलिए कि कार्यालय परिसर के अंदर घर का खाना खाने की अनुमति नहीं है। इस बीच आर्यन खान और अन्य आरोपियों के मोबाइल फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए गांधीनगर की एक प्रयोगशाला में भेज दिया गया है। मुंबई तट से दूर एक क्रूज जहाज से प्रतिबंधित दवाओं की जब्ती के मामले में NCB ने मंगलवार को 4 और लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी दिल्ली स्थित इवेंट मैनेजमेंट फॉर्म के एम्प्लॉइज हैं, और ड्रग रोधी एजेंसी ने इससे पहले शनिवार को गोवा जाने वाले जहाज पर छापा मारकर आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया था। मुंबई के एस्प्लेनेड की मजिस्ट्रेट अदालत ने मामले के सिलसिले में 4 और आरोपियों को 11 अक्टूबर तक के लिए NCB की हिरासत में भेज दिया है, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हें मंगलवार को मेडिकल जांच के लिए JJ अस्पताल ले जाया जाएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम चैनल को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। थैंक यू गाइस, बाय।